Om Shanti, 7 October, Sakar Murli. Meethe bachche, sada khushi mein raho, to yaad ke yatra sahaj ho jayegi. Yaad se hi 21 janmon ke liye punya atma banenge. Prashna, tumhare sabse acche servant va gulam kaun hai? Uttar, natural calamities वह साइंस की इन्वेंशन जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है, यह तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट वह गुलाम है जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति, मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं? खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। पांच विकारों पर तुम विजयी पाते हो। उसमें भी पहले है दे अभिमान। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों बिगर और कोई नहीं जानते। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहां अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता। यह पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनते हो। यह तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं है। राम कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं वह सब है रॉन्ग। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है। सतयुग में यह होती नहीं। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। इसमें देह का भान तोड़ना है। घर में रहते हो तो भी पहले यह याद करो, हम आत्मा है देह नहीं। तुम आत्माएं ही 84 जन्म भोगती हो। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। चोटी छोटी होती है ना। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से यह पढ़ते हो। राजाई प्राप्त करने के लिए एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। शिव बाबा से हमको यह बनना है। हाँ बच्चों, क्यों नहीं। सिर्फ दे अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाए। तुम जानते हो इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं। फिर उतराई शुरू होती है। यह भी जानते हो हमारा ही 84 का चक्र है। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, 84 के चक्र वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे। सतयुग और त्रेता बाप ही स्थापन करते हैं जो अब कर रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है। रावण का चित्र भी है ना, ऊपर में गधे का शीश है। विकारी टट्टू बन जाते हैं। तुम समझते भी हो। हम
क्या थे। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं, पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते हैं 9 लाख शुरू में। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे। बाप कहते हैं, मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, अब पावन जरूर बनना पड़े। सो भी यह अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है। बॉम्ब्स आदि सब तैयार कर रहे हैं, जो वहां घर बैठे खलास कर देंगे। कहते भी हैं, घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। ये बॉम्ब्स आदि घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म करेंगे। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से। वह साइंस बल से सारी दुनिया खलास कर देंगे। वह तुम्हारे सर्वेंट हैं, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल कलामिटीज आदि यह सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे गुलाम बन जाती है। सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो तो तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बिलवेट बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा शिवालय था। सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी यहाँ है विकारी। अभी तुमको स्मृति आई है, बरोबर बाप ने हमें कहा है, हियर नो इविल, गंदी बातें मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं, तुम कितने डर्टी बन गए हो। तुम्हारे पास तो अथाह धन था, तुम स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम स्वर्ग के बदले नर्क के मालिक बन पड़े हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को हम राव राव नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूँ। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? परमात्मा कहते हैं, तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो तो क्या नहीं बनेंगे? विनाश तो जरूर होगा। इस योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता है, इसलिए पाप कटते नहीं हैं। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो, अब हमको वापस जाना है। बाप आया हुआ है ले जाने। पाप आत्माएं तो शांति धाम सुख धाम में जा न सके, वह तो रहती है दुख धाम में। इसलिए अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। अरे बच्चे गुलगुल फूल बन जाओ, देवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। भारत स्वर्ग था, कृष्णपुरी में था, अभी नरकवासी है। तो तुम बच्चों को तो खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए। विष पीना फट से छोड़ना है। विष पीते पीते तुम वैकुंठ में थोड़े ही जा सकेंगे। अभी यह बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो, इन्होंने यह राजाई कैसे प्राप्त की है? राजयोग से।
यह पढ़ाई है ना, जैसे बैरिस्ट्री योग सर्जन योग होता है, सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे। यह फिर है भगवान उवाच, रथ में कैसे प्रवेश करते हैं, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, मैं इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ, जानता हूँ यह विश्व के मालिक पवित्र थे, अब पतित कंगाल बने हैं, फिर पहले नंबर में यह जाएंगे, इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे, सत्युग है अमर लोक, द्वापर कलयुग है मृत्यु लोक, कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं, माया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं, बाप कहते हैं यह गटर है, यह कोई सुख थोड़े ही है, स्वर्ग तो फिर क्या, इन देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है, नाम ही है स्वर्ग, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं हम विष जरूर पिएंगे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे, सजा भी बहुत खाएंगे, तुम बच्चों की माया से युद्ध है, दे अभिमान में आकर बहुत छीछी काम करते हैं, समझते हैं हमको कोई देखता थोड़े ही है, क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता, काम में प्राइवेसी चलती है, काला मुंह करते हैं, काला मुंह करते करते तुम गोरे से सांवरे बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई, ऐसी पतित दुनिया को बदलना जरूर है, बाप कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती है, एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो, भगवान वाच काम महाशत्रु है, वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे, बात मत पूछो, बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर में चलो, क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलो, तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी ही है, गाया जाता है फादर शो सन, बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है, बाप बच्चों को समझाते हैं ये भूलो मत हम युद्ध के मैदान में हैं, तुम्हारे युद्ध है पांच विकारों से, ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है, बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए, फिर तुमको नरकवासी कौन बनाते हैं, रावण फर्क तो देखते हो ना, जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं, इनको कहा जाता है सतगुरु, सिख लोग कहते हैं ना सतगुरु अकाल मूरत, उनको कभी कोई खाल खाता नहीं, वह सतगुरु तो कालों का काल है, पाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूँ, सतयुग में फिर काल आता ही नहीं है, उनको अमर लोक कहा जाता है, अभी तुम श्री मत पर अमर लोक सतयुग के मालिक बन रहे हो, तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है, तुम्हारी फिर है रावण पांच विकारों के साथ युद्ध, उन पर जीत पाते हो, यह है अंतिम जन्म, बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, यहाँ आते ही गरीब है, साहूकारों की तो तकदीर में ही नहीं है, धन के नशे में ही मगरूर रहते हैं, यह सब खत्म हो जाने वाला है, बाकी थोड़ा समय है, ड्रामा का प्लान है ना, यह इतने बॉम्ब शादी बनाए हैं,
वह काम में जरूर लाने हैं। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवारों से, बंदूकों आदि से चलती थी। अभी तो बॉम्ब्स ऐसी चीज निकली है जो घर बैठे ही खलास कर देंगे। यह चीजें कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाई है, कहां तक रखेंगे? बाप आए हैं तो विनाश भी जरूर होना है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तुम्हारी राजाई जरूर स्थापन होनी है। ये लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते हैं। बल शास्त्रों में दिखाया है, असुरों और देवताओं के लड़ाई हुई, परंतु वह सतयुग के, वह असुर कलयुग के, दोनों मिलेंगे कैसे जो लड़ाई होगी? अभी तुम समझते हो हम पांच विकारों से युद्ध कर रहे हैं। इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी बन, निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाप को याद करना है, देवी गुण धारण करने हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, कोई कोई के नसीब में ही नहीं है। योग बल हो तभी विकर्म विनाश हो, संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सके। बाप भी शंख ध्वनि करते रहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख व तुतारी आदि बैठ बनाई है। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। यह पढ़ाई है राजयोग की, बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो और राजाई को याद करो। बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो। इस दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो, जानते हो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपने देवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुलगुल बनना है, अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। दूसरी पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें न तो सुननी है न मुख से बोलनी है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, दे अभिमान के वश हो कोई छीछी काम नहीं करना है। वरदान वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाओ मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। विस्तार है राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी। दे और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। स्लोगन, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।